अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अलवी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो भी आज की वैसे प्रॉपर वीडियो नहीं है, एक बड़ी दिलचस्प बात है तो मैं आपको दिखाने लगा हूं जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो धूप बहुत ज़्यादा, देखें ज़रा आंखें नहीं खुल रही, तो शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, बारात के लिए इन्होंने रात को ही गोश्त को तल लिया था, ठीक है जी, हाफ हाफ फ्राई कर लिया था। अच्छा, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ये देखें, पहले क्या होता था जी, जब हम छोटे छोटे होते थे उस वक्त हर डे के लिए अलहदा अलहदा मसाला भुना जाता था, लेकिन आज का नया दौर, नई टेक्नोलॉजी और नई जिद्दत, एक ही देग में सब देगों के लिए मसाला भुना जा रहा है जी। वो कह रहे हैं ये चलाकी लगती है जी कि एक ही देग में सारी देगों का मसाला पहले बना लिया, उस वजह से फिर बाकी देगों में मसाला जो है वो उसमें डिवाइड कर देंगे और चलाकी लगा देंगे। पहले जब छोटे थे उस वक्त हर देग के लिए लहदा लहदा मसाला बनता था, लेकिन जी एक ही देग में सारी मसालों सब का मसाला बन रहा है, उसी को बाद में डिवाइड कर देंगे जी, सब को चलाकी लगा देंगे जी। हाँ जी जी, अली भाई जब मैं परे चले जाता हूँ तो फिर बोल लेते हैं, जब मैं पास आता हूँ तो फिर नहीं बोलते। सर मैं काम भी साथ साथ है, काम भी देखें जी, ये बस मज़े की बात थी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना आज मेरा प्रोग्राम कोई नहीं था किसी भी किस्म का व्लॉग बनाने का। तो ये आज छोटे भाई की बेटी की बारात है, ठीक है, आज 25 तारीख है। एक दोस्त मेरे थे, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैंने उनको माजरत की कि हमारी अपनी शादी है तो इस वजह से मैं नहीं आ सकता। अब्बास भाई कितनी देर से तैयार हो जाएगी? एक डेढ़ बजे तक। अच्छा, वैसे ये तलाई के साथ करने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी तैयार हो जाती है। रात इन्होंने तलाई कर ली थी, अब जो है घंटे डेढ़ में हद इंशाल्लाह ताला सारा मामला तैयार हो जाएगा। ये चावलों के लिए इन्होंने भी एडवांस में बना के रख लिया है, ठीक है, और ये गोश्त है जी। तो इंशाल्लाह ताला जुमे से पहले पहले सारा काम हो जाएंगे। तो बस जी, बस हेलो हाय करनी थी आप लोगों से, क्योंकि रात को भी मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, हालांकि हमने मेहंदी की जगह पे लोग मेहंदी करते हैं तो हमने कोशिश की है कि हम जो रूटीन में रिवाज है हमारे पाकिस्तान में, उस मेहंदी को हमने मिलाद में कन्वर्ट किया। सूरह यासीन पढ़ी है, बच्चों ने नाते पढ़ी हैं, तलावत इकलाम पाक किया, और फिर बाद में दुरूद पाक का विरद किया, उसके बाद फिर हमने जो है दुआ खैर की है बच्ची और बच्चे के लिए, अल्लाह ताला उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो मुनासिब हो सके, अच्छी बने, क्योंकि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। या इसके कि हम नाच गाने को तरजीह दें, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला, आप भी कोशिश कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तो कमेंट में बताइएगा कि तो आपको कैसा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, देखें जी पूरी बारात का सामान खाने का जो पकाया गया वो एक रक्शे में आ गया जी पूरा, यानी कि थोड़े से सामान से पूरी बारात को हमने क्लियर कर दिया, ठीक है जी। ये देखें, वो कह रहे हैं जी कल के लगे हुए हम पकाने के लिए, गाने खाने में आधा घंटा लगा। चलो जी बैठो जी, यार तेरी ते वीडियो बननी ना नेट ते चलनी है, ठीक है, अगर इत्थे सही कंफर्टेबल नहीं हैगा ते इहदे विच भी बैठ सकदा। हाँ जी, ये वो बंदा है जिसने गोश्त तला और बगैर घी के चने पकाए हैं, पूरी देग पकाई है और बगैर घी के, ये वो बंदा है जिसको इनाम मिलना चाहिए। चलो जी, हंसते रहो जी, वसते रहो, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, तुसी मोबाइल से नहीं किया, तुसी भी नहीं किया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।